अरे जरा ये देखो तो सही, कैसे लग रहे हैं तुम्हें ये दोनों? हैं नुदरत? नुदरत? अरे कहाँ गुम हो भाई, इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हैं, तुमने तो जैसे सुना ही नहीं। सॉरी अम्मा, आ जाए बैठ जाए। क्या हुआ है, कोई मसला है क्या? बस अम्मा वो यूनिवर्सिटी की टेंशन है मुझे। अब तुम नौकरी की टेंशन मत लो। अरे तुम्हारी दोनों बेटियां ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो अब मेरी बेटी के घर है और दोनों खुशवाश। खैर ये देखो जरा कैसे लग रहे हैं तुम्हें। ये किस लिए अम्मा? है भूल गई, कल समन के यहाँ दावत है ना, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना उनके घर। सॉरी अम्मा, मैं तो वाकई भूल गई थी। ये समन और शकील के लिए मैंने लिए हैं जोड़े। अच्छा ये बात तो बताओ, ये सलमान और अरसलान के लिए भी जोड़े लेने चाहिए क्या? ये अम्मा उनके बारे में तो मैंने नहीं सोचा। हाँ अलबत्ता मैं मायरा और मिशाल को कैश देने का सोच रही थी। वो किस लिए? अरे अपने घर की बच्चियां हैं और माशाल्लाह खुशबाश है, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं अम्मा, बेटियों के हाथ में पैसे होने चाहिए, अब वो अपनी हर जरूरत हर मसले पर वो अपने ससुराल या शौहर की तरफ तो नहीं देख सकती ना, और आप जानती हैं कि दोनों कितनी खुददार और हसास हैं। उन दोनों में से किसने शिकायत की है अपने शौहर की? किसने कहा है कि उसका शौहर उसको पैसे नहीं दे रहा, सलमान या अरसलान? नहीं अम्मा, मुझसे किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो फिर ऐसे दबे लफ्जों में मुझसे ये बात करने का तुम्हारा क्या मतलब है? अम्मा सलमान बेरोजगार है और वो बेरोजगार अपनी खुशी और मर्जी से है, और अरसलान का तो आपको पता है उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है। वाह भाई वाह, अरे पहले वक्तों की माएं अपनी बेटियों को शौहर से मोहब्बत और ससुराल की खिदमत की नसीहत किया करती थी। शौहर के घर में दाल रोटी भी मिले तो खुशी से गुजारा करने का कहा करती थी। अब आजकल की माएं हैं, अरे बेटियों की खुशी से ज्यादा दामादों की कमाइयों की फिक्र पड़ी हुई है। नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। रहने दो बस, खूब जानती हूँ तुम्हारी बात का क्या मतलब है। साहब आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने एक्चुअली लंच कुछ लेट किया था। आई एम गुड थैंक यू। आप अमीर है ना, ऐसी जगह पे आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरा कभी कभी इत्तेफाक होता है ऐसी जगह पे, इसलिए मैं तो हर चीज थोड़ी थोड़ी ट्राई करूंगा। स्प्रिंग रोल ट्राई किया आपने? बहुत मजे का। सफरत नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं लेकर। अरे यार मुझे पता है ये बुफे सिस्टम है, हर कोई अपनी प्लेट खुद बनाता है, लेकिन आतिर साहब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनके लिए तो मैं खुद लेकर आऊं। नहीं प्लीज। क्या ये सब मालूम? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता? मारा आपने मुझे इनवाइट किया था ना, मैं तो आपके कहने पे आया हूँ। आपको सच में लग रहा है कि मैंने आपको इनवाइट किया है? तो अगर आपने इनवाइट नहीं किया तो मुझे और किसने इनवाइट किया होगा? वो बता रही हूँ ना, सलमान ने आपको इनवाइट किया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं बट मुझे इतना तो पता चला है कि ये सारी सिचुएशन। अरे यार मेरे जाते ही आप लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। वैसे मेरे सामने भी आप लोग बात कर सकते हैं, आई वोंट माइंड इट। एक्चुअली मैं I'm slightly confused. मैं इस सब का मतलब नहीं समझ पा रहा। स्प्रिंग रोल ट्राई करें, बातें भी हो जाएंगी। अरे आपकी कॉफी शायद ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए गर्म कॉफी लेकर। नहीं कॉफी मैं लेके आती हूँ, तुम जो बात करने के लिए आया हो वो बात कर। Thank you.
क्या है? आपकी गाड़ी की चाबी। मैं गाड़ी नहीं रख सकता। लेकिन क्यों? एक्चुअली मुझे और मेरी वाइफ को एक गाड़ी रखना मंजूर नहीं है, इसलिए हम दोनों ने आपको यहाँ हाईटी पे इनवाइट किया था ताकि आपकी गाड़ी आपको वापस कर सके। ये बात तो खत्म हो गई थी, इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज, इनफैक्ट ये गाड़ी आप दोनों मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ के रख लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली यू हैव बीन वेरी काइंड। आप प्लीज ये चाबी वापस ले लीजिए। मैं और सलमान ये गाड़ी नहीं चाहते। वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, जिससे गाड़ी हमारे पास रहेगी भी और इसकी कीमत भी हम दोनों मिलकर पे कर देंगे। वो कैसे? आतिर, मैं अपनी बीवी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, हर सहूलत देना चाहता हूँ, लेकिन अपने जोरे बाजू से कमा कर। ऐसा करेंगे, मुझे अपने ऑफिस में जॉब पे रख लें। वैसे भी जॉब के लिए परेशान हूँ। आप क्या जॉब करूंगा, सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे गाड़ी के लिए काट लीजिएगा। वैसे कैसा रहेगा? अच्छा आइडिया ना? पता नहीं। देखिए आतिर, मेरी फैमिली को और मुझे इस गाड़ी की बहुत जरूरत है, लेकिन हम फ्री में गाड़ी नहीं रख सकते। इसलिए जो आइडिया मैंने दिया वो बिल्कुल सही है। जॉब करूंगा, आप चलिए मुझे काट लीजिएगा। आई एम अफ्रेड मेरे ऑफिस में तो कोई सीट खाली ही नहीं है। मैं आपको नौकरी पे नहीं रख सकता। अच्छा, तो फिर आप मायरा को आप जॉब पे रख लें। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकती? पहले भी उस ऑफिस में जॉब तो करती रही, लेकिन अब नहीं कर सकती। अब क्यों? बोलो। क्योंकि अब मैं घर को टाइम देना चाहती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी सकती। अरे तुम हमेशा अपनी जॉब के लिए इतनी एंबिशियस रही हो, क्या हो गया तुम्हें? पहले थी, अब नहीं हूँ। मैं तुम्हें खुद जॉब करने की इजाजत दे रहा हूँ ना, बल्कि आतिर से तुम्हारी जॉब के लिए बात भी कर रहा हूँ। आई थिंक जो भी हमारे बीच पहले हो चुका है, मेरे डैड को हर चीज का हेल्प है, और ऐसे में वो मायरा को किसी सूरत भी इस कंपनी में जॉब ऑफर नहीं कर सकते। तो आई एम सॉरी, दिस कांट हैपन। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। रास्ता बनाएंगे तो रास्ता बन ही जाएगा। आप रास्ता बनाने वाले भी हैं। मैं और मायरा आपसे इस हवाले से फॉलोअप्स करते रहेंगे, ठीक है ना?